हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ड्रीम न्यूज चैनल में। तो फ्रेंड, यहाँ से हम मैच कवर करेंगे जो खेला जाएगा सीरीज़ का दूसरा वनडे मैच, ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ से पहला वनडे मैच हो चुका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 2 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा था, उस मैच में स्कोर 170 के करीब बना था। तो फ्रेंड, इस मैच में स्कोर 200 से 220 के बीच बनने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, यहाँ पे शुरुआत में थोड़ी सी, जैसा मैंने पहले पहले मैच में भी कहा था आपको, मूवमेंट रहेगी और शुरू में थोड़े से विकेट मिल सकते हैं। उसके बाद ड्राई हो जाएगी पिच और स्पिनर को थोड़ा सा मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इंग्लैंड जो पिछले अच्छी फॉर्म में थी, 3-0 से श्रीलंका को हराया था, उसका मैं यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर बनाया हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ से एमी जोन्स पिछले मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, 0 पे आउट हो गई थी। टेमी ब्यूमेंट 16 रन पे आउट हो गई थी। फ्रेंड, टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था पहले मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड वुमेन का हुआ था। सारा टेलर मात्र 1 रन की थी, 0 रन पर हिडन नाइट आउट हो गई थी। नटाली सीवर भी फ्रेंड्स यहाँ से बहुत शानदार खेली थी उस मैच में, 64 रन किए थी और 1 विकेट भी ली थी। तो फ्रेंड्स, उस मैच का वीडियो भी देख सकते हैं आप, ग्रेन ली की वीडियो बनी थी उसमें। फ्रेंड, मैंने कैप्टन आपको एलिस पैरी और नटाली सीवर को वाइस कैप्टन कहने के लिए बनाने के लिए बोला था। और मैंने उस मैच में हमारे यूसुफ लेकरीस्टोन को 3 विकेट मिले थे, अन्यश सला को 2, लॉरा मार्श को 2। तो फ्रेंड, बहुत अच्छी टीम बनी थी हमारी उस मैच में भी। तो फ्रेंड्स, अगर आज भी आप अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ जाइए और टॉस के बाद मैं फाइनल टीम आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। मैं यहाँ टेलीग्राम पे नया चैनल बनाया हूँ और फ्रेंड, इसमें आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं ग्रैंड लीग में मेरे 1 नंबर कैसे आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर है, वो निकोल बोटन के साथ ओपनिंग करते हुए एलिस हीली दिखेगी। एलिस हीली ने फ्रेंड्स पिछले मैच में 66 रन किया है, लेकिन फ्रेंड्स इस मैच में ग्रैंड लीग जितनी है, तो ये अगर ये फ्लॉप हो जाती है तो इनको 90% लोगों ने लिया हुआ है, तो आप यहाँ से ग्रैंड लीग आसानी से जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2-4 आपको ऐसे प्लेयर ड्रॉप करने होते हैं जो 90-90% लोगों ने लिए हो। तो फ्रेंड, यहाँ से मैकग्लैनिंग की बात करें तो मैकग्लैनिंग कैप्टन है, अच्छा खेलती है। पिछले 4 मैचेस का परफॉर्मेंस 6 रन 3 रन 48 रन 16 रन, इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं है, लेकिन बड़े मैच की बड़ी प्लेयर है, कभी भी फॉर्म में आ सकती है। एलिस पैरी फ्रेंड्स यहाँ से 107 रन की थी, 1 विकेट दी थी और फ्रेंड 54 रन, लेकिन पिछले मैच में रन नहीं किए लेकिन 3 विकेट मिल गए थे। रैकेल हेंस की बात करें, 27 26 26 10, अच्छी फॉर्म में है। बेथ मुनी फ्रेंड 13 RBI 35 25 रन की है। एशले गार्डन फ्रेंड स्पिन गेंदबाज है, साथ साथ में बल्लेबाजी भी कर लेती है। जेस जॉनसन को फ्रेंड, जैसे मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, अगर आपने रखी होगी तो बहुत सारा पैसा अर्न किया होगा। इनका परफॉर्मेंस पिछले 3 मैच में 4 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, तो 36 16 19, अच्छी प्लेयर लग रही है। फ्रेंड्स, यहाँ से जॉर्जिया वेरहम की बात करें तो 1 विकेट 1 विकेट, मतलब 10 या 20 रन पॉइंट जॉर्जिया वेरहम भी देती हुई नजर आएगी। मैगन स्कट फ्रेंड तेज़ गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करती है, तो मेरी टीम में जरूर रखना है। और फ्रेंड, यहाँ से टीम की बात करें तो टीम का मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको, टीम हमारी इस मैच में किस तरह से रहेगी। यहाँ से फ्रेंड्स आप कवर करेंगे जो हमारे प्लेयर है एमी जेम्स को, फ्रेंड्स में आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं एलिस हीली की जगह पे। फ्रेंड्स, स्पेशली फॉर ग्रैंड लीग्स है ये, आप यहाँ से स्मॉल लीग में ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में मैं इनको ड्रॉप इसलिए किया हूँ क्योंकि 88% लोगों ने ली हुई है, फ्लॉप हो जाती है तो आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स और मनी अर्न कर सकते हैं। बैटिंग में फ्रेंड्स यहाँ से हिडन नाइट को लिया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से हिडन नाइट को काफ़ी कम लोगों ने लिया हुआ, कैप्टन है और अच्छी खेलती है, गेंदबाजी भी डाल लेती है बीच बीच में। तो फ्रेंड, हिडन नाइट अच्छी ऑप्शन है, टीम में नेट अच्छी ऑप्शन है, निकोल बोटन को लिया हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ से ऑलराउंडर की बात करें तो एलिस पैरी को रखा हूँ, बहुत ही नंबर 1 ऑलराउंडर है आज की डेट में। नटाली सीवर भी अच्छी ऑलराउंडर, इनको भी लिया हूँ। जस्ट जोनासन को तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकॉर्ड भी बता चुका हूँ। बॉलिंग की बात करें तो मेगान स्कट, लॉरा मार्श और सोफली एक्लिस्टोन को रखा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से आप शरभ सल्ले को ट्राई कर सकते हैं लॉरा मार्श की जगह पे, केती क्रॉस को ट्राई कर सकते हैं सोफी एक्लिस्टोन की जगह पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स ये ग्रैंड लीग की टीम में है, यहाँ से आप इस टीम के साथ बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कैप्टन फ्रेंड्स यहाँ से मैं एलिस पैरी को रखा हूँ, वाइस कैप्टन एक बार फिर से आप यहाँ बेथ मुनी को भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ओपनिंग या 1 डाउन खेलती हुई नज़र आ सकती है, तो फ्रेंड्स यहाँ से अच्छी ऑप्शन रह सकती है। यहाँ से निकोल बोटन फ्रेंड्स यहाँ से पिछले मैच में ओपनिंग करती हुई दिखी थी, तो ये भी अच्छी ऑप्शन रह सकती है वाइस कैप्टन के लिए। फ्रेंड, यहाँ से कैप्टन की ऑप्शन एलिस पैरी की बहुत अच्छी है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप एमी जोन्स को भी वाइस कैप्टन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, यहाँ से बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है, बहुत अच्छी प्लेयर है ये भी। फ्रेंड्स, यहाँ से जो कैप्टन की मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, कैप्टन की एलिस पैरी। अगर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी ऑप्शन है कैप्टन की नटाली सीवर, वाइस कैप्टन की ऑप्शन है एमी जोन्स, हिडन नाइट। फ्रेंड, ये 2 ऑप्शन यहाँ से ये है आपके पास। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।